हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का और मुझे रिसीव हुआ है मेरा पार्सल यानी कि ग्रोसरी। तो ये ग्रोसरी मुझे थोड़ा जल्दी रिसीव हो गई है। एक दिन पहले फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे ऊपर एक दिन की मेहरबानी कर दी। वो कैसे, तो हम आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। क्या हुआ, ये मैंने ग्रोसरी ऑर्डर की थी 5 दिन पहले। 5 दिन पहले इस ग्रोसरी को मैंने ऑर्डर किया था, और जब मैंने ऑर्डर किया था तब मैंने इसकी डिलीवरी डेट नहीं देखी थी, क्योंकि जब मैं हरिद्वार में थी तब भी मैं कुछ ऑर्डर करके मंगाती थी ग्रोसरी में, 2 दिन के अंदर मुझे रिसीव हो जाती थी। उसके बाद जब मैं तेलंगाना गई, तेलंगाना में भी मुझे 2 दिन के अंदर रिसीव हो जाती थी। जैसे कि आज मैंने ऑर्डर किया एक दिन का छोड़ के, और परसों मुझे रिसीव हो जाती थी। अब क्या हुआ कि जब ये मैंने ऑर्डर कर दी, 2 दिन का वेट किया, तो जब मुझे रिसीव नहीं हुई तो मैंने अपने माई ऑर्डर पे जाके चेक किया, ऑर्डर देखा, तो वो डेट देखी, डेट में पता चला कि ये 8 तारीख को रिसीव होगी, मुझे डिलीवर होगा। तो मैंने कहा 8 तारीख को इतना लंबा समय, फिर मैंने कहा क्या करूँ, कैंसिल कर दूँ कि ना कर दूँ। और पता है आटा था नहीं, आटा ख़त्म हुए ऐसे 6-7 दिन हो गए आराम से, और मैं अभी बीच बीच में चावल बना लेती थी, कभी कुछ कभी कुछ ऐसे बना के खा लेती थी, क्योंकि सामने शॉप हैं तो किराने स्टोर की, वहाँ से मैं आटा मंगा भी लेती, पर क्या है कि वहाँ पे ना उस आटे में कीड़े वगैरह निकलते हैं। पर चावल ख़त्म हो गए थे, मैंने चावल बन के जी मंगाए थे, उसमें भी कीड़े थे, और मुझे ना कीड़ों से ना बहुत डर लगता है। मैं अगर चावल में कीड़े होते हैं तो मैं डरती हूँ, जो सूढ़ी टाइप होती है मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं वो चीज़ छूती नहीं हूँ। तो उसमें एक आध कीड़े थे, तो मैंने अपनी जो भतीजी है जेठानी की लड़की उससे साफ करा लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो क्या हुआ कि आज मुझे ये रिसीव हुई है अभी 7 तारीख को, और आनी थी कल 8 तारीख को। तो भाई मैं बता रही हूँ कि एक दिन का मेरे ऊपर मेहरबानी कर दी। मैंने डिलीवरी वाले भैया से कहा इतना लेट क्यों, यानी कि वैसे 2 दिन में रिसीव हो जाती है। तो वो बोले कि नहीं, आपकी डेट मतलब थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था, पर ये मुझे ये वहाँ पे आ गया था, तो मैंने सोचा चलो आज ही ले चलते हैं, नहीं तो ये कल ही हम देते हैं। तभी हम कहें कि किसने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कर दी एक दिन की। तो फिलहाल चलिए हम दिखा देते हैं। सामान ज़्यादा नहीं था, चावल हैं, आटा है, और थोड़ा बहुत सामान और है मंगाया था मैंने, वो एक्स्ट्रा मंगा लिया था मैंने। चलिए दिखा देते हैं आपको क्या क्या है। तो दोस्तों, ये इतना सामान है जो मैंने ऑर्डर करके मंगाया था। ये 5 kg आटा है और 5 kg चावल। ये मंसूरी राइस है, ये देखिए लिखा है। ये मंसूरी राइस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस चावल को कैसे भी बना लो आप, चाहे पुलाव भी बना सकते हो, इसका अच्छा लगता है, तो मैं इसी को हमेशा यूज करती हूँ। ये मैं यूज कर रही हूँ जब से मैं हरिद्वार पहुँची थी, तब से कम 5 साल हरिद्वार में हो गए और 2 साल इधर, तो 7 साल हो गई हैं। बाद बाकी मैंने ये सामान मंगाया है। ये पास्ता है, ये पास्ता बहुत अच्छा निकलता है, बहुत जल्दी तो बॉयल होता है। और ये नमक मंगा लिया मैंने, और ये चाय पत्ती, सेजवान सॉस, नारियल ऑयल, और ये मैगी मसाला। तो ये जितना सामान ये है, इतना वाला जो सामान है, इसको मुझे अभी यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें का सारा सामान अभी रखा है। चाय पत्ती भी है, मैगी मसाला भी है, पास्ता भी है, नमक भी है, ये मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिया है। ये ख़त्म हो गया था, क्योंकि ज्ञानवी को यही ऑयल सूट करता है उसके बालों में, अदर कोई ऑयल डाल दो तो उसके बाल ना अजीब से हो जाते, तो ये उसी के लिए मंगाया, और मैं भी इसी को यूज करती हूँ। जैसे इसको ना बॉडी लोशन के तौर पर भी हम यूज कर लेते हैं, तो हमको अच्छा लगता है ये, तो इसलिए ये मंगा लिया है मैंने इतना। तो बस इतना ही मंगाया था सामान मैंने दोस्तों, इतना ही सामान था जो मैंने ऑर्डर करके मंगाया था। एक्चुअली मैं ना रिलायंस पॉइंट से सामान लेती हूँ ग्रोसरी का, और इटावा में 2 जगह रिलायंस पॉइंट है, एक है औरैया बस स्टैंड की तरफ और एक है मेरे मायके की तरफ। तो मैं मायके की तरफ वाले में ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि उधर थोड़ा अच्छा लगता है। और क्या है कि अभी मैं जाने की सोच रही थी ग्रोसरी लेने के, पर मैं गई नहीं, क्योंकि मैं ये सोच रही थी या तो ज्ञान भी सो जाए तो, या तो ये खेलने कूदने लगे, तो मैं जाके और जल्दी से लेके आ जाऊँ। 1-2 घंटे तो खैर लग ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा उधर पड़ जाता है, और सामान लेने में भी तो
और बात यह है कि ज्ञानवी को भी संभालो, फिर जो सामान हम लेंगे उसका भी वजन हो जाता है, दोनों लोगों को संभालना। अब मॉल से सामान लेकर के भी निकलो, ज्ञानवी को भी लेके निकलो, फिर उसके बाद ऑटो ढूंढो, तो हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं नहीं गई थी, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। फिलहाल सब ठीक है, जो भी है। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे।